So, regarding GRF, we have discussed bacterial disease, we have discussed viral disease, we have discussed almost whole general pathology. So, today we have thought to discuss systemic pathology. And whole systemic pathology will require at least two class. एक समय था जब पूरा सिस्टमिक पैथोलॉजी में हम लोग को एक सेमेस्टर दिया जाता था 6 मंथ. आई हैव ट्राइड टू समराइज कंसाइज होल सिस्टमिक पैथोलॉजी इन 60 मिनट. तो इट विल टेक अबाउट टू क्लासेस. आई विल डील इन नेक्स्ट वीक आल्सो वन क्लास टू कंप्लीट दिस सिस्टमिक पैथोलॉजी. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन. इन दिस पोर्शन वी विल डील विद अफेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, cardiovascular system and skin. So four system we will deal today one by one. So first of all we will start with respiratory system. Respiratory system mein jitne bhi pathological terms hain usko hum log ek bar revise karenge jo mujhe lagta hai important hai for objective point of view or interview point of view. Usko maine ek jagah summarize kar diya hai. Koi concept build karne ki koshish nahi kar raha hu main, just revise kar raha hu for इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजिकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सिस्टम्स. उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद द सिस्टमिक वाइज फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो सबसे पहले नेजल कैविटी में जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, एक कंडीशन है उसको बोलते हैं नेजल पॉलिप्स. तो जहाँ भी ये पॉलिप टर्म आ जाए तो समझ लेना कॉली फ्लावर लाइक ग्रोथ है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है. स्टॉक्ड ट्यूमरस ग्रोथ कॉलीफ्लावर अपीयरेंस होता है. ये नेजल कैविटी में होगा तो नेजल पॉलिप्स बोलते हैं. वेरी सिंपल, पॉलिप जहाँ भी लगे तो एक स्टॉक्ड पेडंकुलेटेड ट्यूमरस ग्रोथ को ही बोलते हैं पॉलिप्स, जो रिजेंबल करता है वेजिटेटिव कॉलीफ्लावर की तरह, तो उसको हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स. नेक्स्ट इज पैलेटोस्काइसिस. तो बायोलॉजिकल साइंस में स्काइसिस का मतलब होता है फिसर, क्लेफ्ट, और पैलेटो मीन्स पैलेट. तो नेचुरली पैलेटो स्काइसिस क्या हुआ, ये कंजेनाइटल कंडीशन है जहाँ पे जो पैलेट्स हैं आपके उसमें क्लेफ्ट होता है, जिसकी वजह से नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप हो जाता है. तो ये कंजेनाइटल है, आफ्टर बर्थ बड़ा आसानी से सर्जिकल तरीके से इसको ठीक कर दिया जाता है. तो एक एबनॉर्मल कंटिन्यूएशन बिटवीन द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी इज ड्यू टू पैलेटो स्काइसिस. नेक्स्ट है एपिस्टैक्सिस, सब जानते हो. इट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोजल कैविटी. जब नाक से खून आए तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं एपिस्टैक्सिस. नेक्स्ट इज राइनाइटिस. बहुत सारे जो इंफ्लेमेटरी टर्म्स होते हैं ना उसको हम लोग उसका टेक्निकल टर्म से ही जान जाते हैं. इंफ्लामेशन में हमेशा आई टी आई एस लगता है सफिक्स, और अगर पार्ट्स का ऑर्गन्स का आप टेक्निकल टर्म जानते हो तो आपको पता हो जाता है कि किसका इंफ्लामेशन है. तो वैसे ही नेजल मिकोसा जो है, जो नोज है उसको राइनो बोलते हैं, इसीलिए राइनाइटिस. इट इज इंफ्लामेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ नेजल कैविटी. नेक्स्ट इज ये जो है ना टर्म्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. राइनो हाइपरप्लेशिया और राइनो स्पोरेडेसिस दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आता भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये थोड़े अलग है. राइनो हाइपरप्लेशिया दिखता है पिक्स में, ठीक है, और पिक्स के नोज बहुत बड़े हो जाते हैं, रिजेम्बलिंग बुल नोज, बुल की तरह हो जाता है, इतना बड़ा इनके नोज हो जाता है. और इसका काउज है बैक्टीरिया एस्पिरोफोरस नेक्रोफोरस. तो यंग पिक्स का ये कंडीशन है, उसको हम लोग बोलते हैं राइनो हाइपरप्लेशिया. नेक्स्ट इज राइनो स्पोरेडियोसिस. तो ये राइनाइटिस है बेसिकली, ठीक है, क्रोनिक फॉर्म है राइनाइटिस का. इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो राइनो स्पोरेडियम सीवेराई है. तो दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का एजेंट अलग अलग है, कंडीशन भी अलग अलग है. यह हाइपरप्लेस्टिक कंडीशन है और ये इंफ्लामेटरी कंडीशन है. हाइपरप्लेसिया है ये और ये इंफ्लामेटरी कंडीशन है, तो याद रखिएगा, ठीक है. दोनों का बैक्टीरिया भी अलग अलग है, उसको भी याद रखिएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आया भी है क्वेश्चन, रोरिंग या लैरिंजियल हेमिप्लेजिया. खासकर हॉर्स में जो ये कंडीशन देखने को मिलता है, घोड़ों में जिनका आवाज रोरिंग टाइप का आवाज हो जाता है ड्यू टू हेमिप्लेजिया, मतलब हाफ यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ लैरिंजियल मसल्स, उसके वजह से ये रोलिंग हो जाता है. इसमें कौन सा मसल पैरालाइज होता है और कौन सा नर्व इन्वॉल्व होता है ये पूछा जाता है.
तो इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है वो लेफ्ट क्रिको एरिटेनाइडस मसल है, लेफ्ट वाला, और जो लैरिंजियल मसल्स है वो भी लेफ्ट ही है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, लेफ्ट क्रिको एरिटेनाइडस मसल और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इसके अफेक्शन से ये लैरिंजियल हेमिप्लेजिया होता है और ये खासकर हॉर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेकाइटिस। तो ये बड़ा सिंपल ही है, ट्रेकियल म्यूकोसा के इन्फ्लेमेशन को ट्रेकाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोंकाइटिस, ये भी बहुत सिंपल है, आप जानते हो इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ ब्रोंकाई, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ब्रोंको स्टेनोसिस और ब्रोंको एक्टेसिया या एक्टेसिस। जब भी स्टेनोसिस हो तो समझ लेना कि नैरोइंग हो रहा है, चीजें आपस में करीब आ रहे हैं, और इक्टेसिया या एक्टेसिस का मतलब होता है डायलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो रिलेटेड टू ब्रोंकाई, जब ब्रोंकाई में एस्टेनोसिस होगा, नैरोइंग होगा, तो ब्रोंको स्टेनोसिस कहेंगे, और जब ब्रोंकाई में एक्टेसिया होगा, डायलेटेशन होगा, तो उसको ब्रोंको एक्टेसिया एक्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस क्या है, ये कोलैप्स ऑफ लंग है, उसमें क्या होता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है। यूजुअली आप जानते हो कि एल्वोलाई में सर्फेक्टेंट होता है, पता है ना, एल्वोलर एपिथेलियल सेल्स रिलीज करते हैं सर्फेक्टेंट, जिसके वजह से एल्वोलाई का ओपनिंग होता है आफ्टर बर्थ, और कभी कभी ये सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं होते तो लंग का एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन पर ही एटिलेक्टेसिस बोलते हैं, जब एल्वोलाई ओपन नहीं करता, उसके अंदर एयर कंटेन नहीं होगा, लंग्स का एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ये थोड़ा होगा तो कोई बात नहीं है, अगर जनरलाइज हो जाएगा लंग्स में तो नेचुरली फेटल कंडीशन हो जाएगा। तो एटिलेक्टेसिस क्या है, ऐसा कंडीशन जहाँ पे एल्वोलाई खुलते नहीं, जिसके अंदर एयर जाता नहीं। इसके ठीक अपोजिट है इम्फाइसेमा, एटिलेक्टेसिस के अपोजिट है इम्फाइसेमा। इसमें क्या होता है कि एयर ट्रैप्ड होकर रह जाता है एल्वोलाई के अंदर, वो बाहर का ऐसा नहीं होता कि एक्सचेंज होता है, आया गया नहीं, ट्रैप होकर ही रह जाते हैं एल्वोलाई के अंदर। और इवन एक दो चार पाँच एल्वोलाई फूट जाते हैं, टूटने की वजह से एक बड़ा सा ये इम्फाइसेमा माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। जब मोर देन वन एल्वोलाई ऐसे टूट के आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो ये नेकेड आई से भी देख सकते हो ऑन द सर्फेस ऑफ द लंग, ऐसे स्वेलिंग सा दिखता है, छोटे छोटे स्पॉट्स दिखेंगे स्वेलिंग पर, तो इम्फाइसेमा है। तो है क्या ये, ट्रैपिंग ऑफ एयर इनसाइड द लंग, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्फाइसेमा। और हिप्स, हॉर्स का एक कंडीशन है, उसमें हिप्स एक टर्म आता है। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा कैसा इम्फाइसेमा है, इट इज क्रॉनिक फॉर्म ऑफ इम्फाइसेमा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, हिप्स इन हॉर्स आर ड्यू टू क्रॉनिक एल्वोलर इम्फाइसेमा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एडिमा, ये आप जानते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ वाटरी फ्लूइड, अगर लंग्स में हो गया तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर एक्युमुलेशन एल्वोलाई में हो सकता है, ब्रोंकाई में हो सकता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में हो सकता है। तो पूरे लंग्स में पानी का जमा होना, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट है निमोनिया, निमोनाइटिस, तो जानते हो आप, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल करूंगा। निमोनिया और निमोनाइटिस ऐसा लगता है कि हम लोग यूज भी करते हैं एक दूसरे के सिनोनिम की तरह, कि निमोनिया अच्छा टर्म मानते हैं, निमोनाइटिस यूज नहीं करते हैं। और लेटेस्ट नोमेनक्लेचर में निमोनाइटिस को एक्चुअली एब्सोल्यूट कर भी दिया गया है, अब हम लोग सिर्फ निमोनिया यूज करते हैं। लेकिन सर ये निमोनिया और निमोनाइटिस दोनों डिफरेंट टर्म है ना? मैं वही कह रहा हूँ, सुनो ना, मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा है कि निमोनिया और निमोनाइटिस, तो मैंने ऑब्लिक करके लिखा हुआ, ऐसा लगता है एक ही है। अभी हम लोग लेटेस्ट नोमेनक्लेचर का बात करोगे तो ये निमोनाइटिस टर्म को एब्सोल्यूट कर दिया गया, यूज नहीं करते हम। लेकिन अगर फिर भी हम कोई पूछ ही ले आपसे कि निमोनिया या निमोनाइटिस में कोई डिफरेंस है या नहीं है कि दोनों एक है, तो मेजर डिफरेंस जो है उसका मैंने हाईलाइट किया है, दोनों एक्चुअली एक जैसे नहीं है। अगर आप दोनों टर्म यूज करते हो तो दोनों अलग अलग ही हैं, या तो आप निमोनाइटिस को यूज कीजिए, मैं निमोनिया में ही सब कुछ कर लीजिए तो ठीक है, लेटेस्ट नोमेनक्लेचर सब चल रहे हैं। लेकिन अगर आप निमोनाइटिस टर्म यूज करते हैं तब फिर वो निमोनिया से अलग है। कैसे अलग है? पहला तो ये है कि निमोनिया एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंज ऑफ लंग्स को बोलते हैं। निमोनिया क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंज। और निमोनाइटिस क्या है? ये सब एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंज, दोनों ही लंग्स के ही चेंजेस है, लेकिन ये एक्यूट फॉर्म है, ये सब एक्यूट या क्रोनिक फॉर्म है। दूसरा अंतर ये है, एक्यूट होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा एक्सुडेशन होता है, और एक्सुडेशन होने की वजह से ये फ्लूइड ये एक्सुडेट्स एल्वोलर ल्यूमेन में जमा हो जाएगा। एल्वोलाई का वाल में चेंजेस देखने को नहीं मिलता, एल्वोलाई के ल्यूमेन में चेंज देखने को मिलता है, वहां पे एक्युमुलेशन हो जाता है एक्सुडेट्स का, उसको हम बोलते हैं बेसिकली निमोनिया।
लेकिन निमोनाइटिस में चूंकि ये सब एक्यूट क्रॉनिक फॉर्म है तो एक्सुडेशन नहीं होना है, एक्सुडेशन नहीं होना इसका मतलब ल्यूमेन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जो भी चेंज देखने को मिलेगा उसका एल्वियोलर वाल में दिखेगा, ठीक है, एल्वियोलर के वाल में, जो कि यूजुअली थिक हो जाता है ड्यू टू इंफ्लेमेटरी कंडीशन, वो इंटर एल्वियोलर सेप्टा जो होते हैं ना वो थिकेंड हो जाते हैं। तो ये दो बेसिक कम से कम आपको टर्म मतलब डिफरेंस याद रखना है, निमोनिया एक्यूट चेंज है, निमोनाइटिस सब एक्यूट क्रॉनिक चेंज है, निमोनिया में एक्सुडेशन होता है और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं एल्वियोलर ल्यूमेन में, और निमोनाइटिस में जो इंफ्लेमेटरी चेंज है वो एल्वियोलर के वाल में होते हैं, इसीलिए थिकनिंग ऑफ एल्वियोलर सेप्टा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज ये भी हुआ कि कोई निमोनाइटिस का कंडीशन है उसको अगर आप पीएम कर रहे हो तो जब उसका कैसा दिखेगा, लेदरी अपीयरेंस दिखेगा, उसका लंग कोलैप्स होता हुआ कभी नहीं दिखेगा क्योंकि वाल ऑफ एल्वियोला इतने थिक हो जाते हैं कि कोलैप्स हो नहीं पाते, तो निमोनाइटिस के कंडीशन में कभी कोलैप्स ऑफ लंग नहीं दिख सकता आपको, ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके बाद है जो मैंने कहा कि यूजुअली आज के समय में हम लोग निमोनिया टर्म में ही सब कुछ कोई इंक्लूड कर लेते हैं, एक्यूट चेंज हो, सब एक्यूट चेंज हो, क्रॉनिक चेंज हो, वो सबके लिए एक नया नोमेनक्लेचर सिर्फ निमोनिया ही रखा गया है, और जितने भी तरह का चेंज है एक्सुडेशन हो, ल्यूमेन में हो, वाल में हो, सबके लिए एक ही टर्म यूज कर रहे हैं आजकल, उसको लोग निमोनिया बोलते हैं। हम लोग के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता था निमोनिया और निमोनाइटिस को, लेकिन अब धीरे धीरे ये एब्सोल्यूट हो रहा है, ठीक है। अब निमोनिया मतलब सारा निमोनिया, जितने भी सारे चेंजेज है लंग्स के, इन्फ्लेमेटरी चेंजेज है, सबको निमोनिया में ही डाल दिया गया। और अगली चीज़ ये है कि निमोनिया को हम लोग फोर स्टेज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, खासकर ह्यूमन के केस में। तो ये फोर स्टेज है, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन। कंजेशन होगा इनिशियल इन्फ्लेमेटरी चेंज ड्यू टू कूलिंग ऑफ ब्लड, कूलिंग ऑफ ब्लड जाएगा तो रेडनेस हो जाएगा, और आईवीपी भी हो जाता है, इंटरवेस्कुलर इंक्रीज वेस्कुलर पर्मिबिलिटी भी हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा भी हो जाएगा इस कंडीशन में। उसके थोड़ी देर के बाद ड्यू टू पुलिंग ऑफ ब्लड, जितना ज्यादा ब्लड पुल होगा धीरे धीरे उतना रेडनेस आएगा। रेडनेस तो इसमें भी था, लेकिन यहाँ रेड होने के साथ साथ उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो रहा है। लंग्स का कंसिस्टेंसी जो स्पॉन्जी होता है, यहाँ पे कॉन्सिलिडेटेड हो जाएगा, मतलब निमोनिया का जो निमोनिया को माइक्रोस्कोपिकली नेकेड आई से लंग को देख के कभी निमोनिया नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लंग का नेकेड आई का जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम लोग, लिख तो देते हैं निमोनिया, लेकिन निमोनिया होता है माइक्रोस्कोपिक चेंज। माइक्रोस्कोपिक यानी जो नेकेड आई से देखते हैं ना लंग, निमोनिक लंग को, उसके लिए अच्छा टर्म है कॉन्सोलिडेटेड, ठीक है, उसको निमोनिया लिखना नहीं चाहिए, निमोनिया माइक्रोस्कोपिक चेंज है। तो लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाता है इसका, लिवर की तरह दिखने लगता है, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। और समय के साथ ये जो आरबीसी होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे, चूंकि उनका लाइफ स्पैन है, एक जगह पुलिंग हो गया है तो टूटेंगे, तो टूटने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है और रेड से ग्रे हो जाता है, और कंसिस्टेंसी अभी भी लीवर की तरह ही है, बस ये थोड़ा ग्रे हो जाता है, और फिर धीरे धीरे रेजोल्यूशन होगा और रिकवरी हो जाएगा, धीरे धीरे लंग्स नॉर्मल स्टेज में चला जाता है, ठीक। उसके बाद है टाइप्स ऑफ निमोनिया। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सुडेशन और टाइप्स, किससे हुआ और किस तरह के चेंजेज आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनिया है। तो फिब्रिनस निमोनिया, फिब्रिन टर्म जब भी आ जाए तो समझ लेना सबसे सीवियर फॉर्म है इंफ्लेमेशन का। तो फिब्रिनस निमोनिया नो डाउट सबसे सीवियर निमोनिक फॉर्म है, जिसमें फिब्रिन होगा मेन कॉम्पोनेंट। पुरलेंट टर्म जब भी लगता है तो जानते हो पस होता है, सुपुरेशन हो जाता है। गैंग्रीनस, इसमें आर छूट गया है, ठीक है, गैंग्रीनस निमोनिया में कब होता है, ड्यू टू फॉल्टी ड्रेंचिंग। दवा जानवरों में एक्चुअली क्या होता है कि जीप को पकड़ के लोग दवा पिला देते हैं, जीप को पकड़ने की वजह से प्रॉपर स्वेलिंग नहीं कर पाता है, तो फॉल्टी ड्रेंचिंग होकर और लैरिंग्स के रास्ते चला जाता है लंग्स में, जाना था इसोफेगस की तरफ चला जाता है लंग्स की तरफ। तो ऐसे निमोनिया को हम लोग गैंग्रीनस निमोनिया या एस्पायरेशन निमोनिया बोलते हैं, खासकर ऐसी दवाइयाँ या ऐसा लिक्विड जो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, जैसे पानी मान लीजिए चला गया तो निमोनिया होगा तो हीट होगा तो इवेपोरेट करके वाटर निकल जाएगा, लेकिन ऐसे चीज़ें जो नॉन वोलेटाइल या मुश्किल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेपराइज होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये है फॉल्टी ड्रेंचिंग की वजह से एस्पायरेशन निमोनिया या गैंग्रीनस निमोनिया। नेक्स्ट है ग्रैनुलोमेटस निमोनिया। तो जानते हो कोई भी फंगल डिजीज हो या ट्यूबरक्लोसिस हो, उसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता है लंग्स में, एनी फंगल डिजीज, और टीबी में जानते हैं आप जब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा तो ग्रैनुलोमेटस निमोनिया बोलते हैं। उसके बाद है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया में
एल्वोलर सेप्टा बेसिकली जो निमोनाइटिस वाला है ना, ये है इंटरस्टिशियल निमोनिया। आप या तो बोलिए निमोनाइटिस या बोलिए इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसमें क्या होता है कि जो मेन चेंज आता है कहाँ पे आता है, इंटरस्टिशियल एल्वोलर सेप्टा में, ठीक है। और जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वोलाई होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ, एकदम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और ऐसे सेल्स कौन बोलते हैं, सेल्स ऑफ ट्राइपियर। इंटरस्टिशियल निमोनिया में पहचान है सेल्स ऑफ ट्राइपियर या फर्टिलाइजेशन या एपिथेलियलाइजेशन बोलते हैं उसको। तो इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रोंको निमोनिया, ये तो आप जानते हो, ब्रोंकाई का भी इन्फ्लेमेशन, लंग्स का भी इन्फ्लेमेशन। तो जब भी लंग्स इन्फ्लेम होते हैं तो ब्रोंकाई भी हो जाता है, जब भी ब्रोंकाई होगा तो लंग्स को कर ही लेता है, तो यूजुअली साथ में ही होते हैं ब्रोंको निमोनिया। माइकोटिक निमोनिया, जब फंगस इन्वॉल्व हो जाएगा तो माइकोटिक निमोनिया, जब पैरासाइट इन्वॉल्व होगा तो वर्मिनस निमोनिया। कोई भी पैरासाइट निमोनिया काउज करे तो वर्मिनस, कोई भी फंगस काउज करे तो माइकोटिक निमोनिया। ये कुछ टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सुडेट एंड द टाइप। इसके बाद दो तीन स्पेशल टर्म्स हैं रिलेटेड टू लंग्स। एक बोलते हैं जैक्सिक्टी, पढ़ा होगा आपने, या पल्मोनरी एडिमेटोसिस। नाम से ही लग रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एडिनोमा, मतलब लंग्स में ग्लैंडुलर अपीयरेंस आने लगे। लंग्स में ऐसा, लंग्स का अगर हिस्टोपैथोलॉजी करके देखोगे तो आप लोग, एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है ये, लंग्स नहीं है, ये कोई ग्लैंड है। उस तरह का जब अपीयरेंस आने लगे तो उसे कौन बोलते हैं जैक्सिक्टी, और ये क्रॉनिक कंडीशन है सिर्फ सर वर्ड्स में, ठीक ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय एडिनोमेटस प्रोलिफरेशन, ब्रोंकियल्स में देखने को मिलता है, ट्रैकिया में भी, ब्रोंकाई में भी दिख सकता है ये, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स में। नेक्स्ट है मेडी। मेडी इज क्रॉनिक, दोनों ही क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव निमोनिया, वायरल डिजीज है, ओल्डर शिप्स में होते हैं। इसमें याद रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ लिम्फॉइड नोड्यूल्स, नोड्यूलर फॉर्मेशन होता है, इसमें ग्लैंड की तरह फॉर्मेशन होता है और इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं, और बेसिकली लिम्फोसाइट्स का एग्रीगेशन होता है, उसको हम मेडी बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही क्रॉनिक कंडीशन है, शिप का है। नेक्स्ट है नीमोथोरैक्स। तो थोरैक्स थोरेसिक कैविटी, नीमो मतलब एयर, तो थोरेसिक कैविटी में एयर का एक्युमुलेशन होना, लंग्स में तो होते ही हैं, आउटसाइड लंग्स अगर इस तरह का एक्युमुलेशन होने लगे थोरेसिक कैविटी में, थोरैक्स कैविटी में, तो उसको बोलते हैं नीमोथोरैक्स। पायो मींस पस, थोरैक्स मींस थोरेसिक कैविटी, तो अगर पस एक्युमुलेट हो जाए थोरेसिक कैविटी में तो पायोथोरैक्स। प्लूराइटिस या प्लूराइसी एक ही चीज है, ठीक है। तो प्लूराइसी लिखेगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, प्लूराइटिस लिखेगा तब तो आप जान ही जाओगे इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा है, लेकिन प्लूराइसी और प्लूरा सेम है। इसके बाद कुछ एक मैंने बना रखा है टेबल सा, उसमें कुछ पैरासाइट्स हैं लंग्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इसमें ये आपको जरूरी नहीं है कि आप ये याद करो कि कैटल में कौन सा होता है, सीप में कौन सा होता है, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि आप जाने हैबिटेट कहाँ पे लंग्स में पाया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, मतलब टाइम थोड़ा कम है आप सेकेंड ईयर वालों के पास, इसलिए मैं इसमें नहीं घुस रहा हूँ, उनको सेकेंड क्लास भी है, आप इसका फिर देख के याद कर लीजिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा ये पैरासाइट्स होते हैं और ये उसके लोकेशन है। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फर्स्ट इज कैरीज, तो सिंपल है, आप जानते हैं डिके ऑफ टीथ, कोई भी कंडीशन टीथ का जो डिके काउज करे उसको कैरीज बोलते हैं, कैरीज बोलते हैं। लेफ्ट पैलेट या पैलेटस का ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी नहीं है, और जितना ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, चूंकि ये ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच का कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हैं, ये कॉमन है दोनों सिस्टम के लिए। एस्टोमा मतलब ओरल कैविटी होता है, तो जब ओरल कैविटी का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो स्टोमेटाइटिस, गम्स को जिंजिवाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाए तो। इसको याद रखिएगा, ये ऐसा कैच नहीं कर सकते, थोड़ा सा अलग से याद रखना होगा। यूप्लिस, यूप्लिस क्या है, गम्स के अंदर कोई फाइब्रोप्लास्टिक ट्यूमर, फाइबर का ट्यूमर होना गम्स में यूप्लिस, ठीक है। रेनुला सबसे इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड में, सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलता है रेनुला, ठीक है। रेनुला क्या है, जो सलाइवरी डक्ट्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का जो सलाइवा होगा और डक्ट के थ्रू माउथ में खुलता है, लेकिन उस डक्ट में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ग्लैंड नॉर्मल है डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ग्लैंड अपना सिक्रेशन करता रहेगा लेकिन वो सिक्रेशन अपने माउथ तक नहीं पहुँच रहा है, तो फाइनली क्या होगा, डायलेटेशन हो जाएगा, सिस्ट की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन द फ्लोर ऑफ द माउथ सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ द स्लेवरी डक्ट, उसे कौन लोग बोलते हैं रेनुला, ठीक है। स्लेवरी डक्ट में सिस्टिक डायलेटेशन हो जाना और रेनुला है। ग्लोसाइटिस, टंग को ग्लोसा बोलते हैं, इसीलिए ग्लोसाइटिस है ये। चिलाइटिस, लिप्स का इन्फ्लेमेशन है। टॉन्सिलाइटिस सिंपल है, जानते हैं टॉन्सिल से। पैलेटाइटिस से भी आप समझ जाओगे कि पैलेट्स का इन्फ्लेमेशन है, लेकिन उसको लैम्पास भी बोलते हैं,
याद रखिएगा लैम्पास और पेलेटाइटिस सेम है, ठीक है। सायलोलिथ्स, जब भी लिथ्स लास्ट में लगता है, सफिक्स लगता है, तो स्टोन फॉर्मेशन के लिए ही होता है। स्टोन को साइंस में कैल्कुलाई बोलते हैं। तो साइलो मतलब सेलेबरी ग्लैंड या सेलेबरी डक्ट, और लिथ मतलब स्टोन फॉर्मेशन। तो स्टोन फॉर्मेशन इन द सेलेबरी डक्ट इज सायलोलिथ। और साइलो एडिनाइटिस, तो सेलेबरी ग्लैंड, एडिनाइटिस मतलब लग गया, तो एडिना टर्म आया मतलब ग्लैंड, तो किस कौन से ग्लैंड, साइलो मतलब सेलेबरी ग्लैंड। तो सेलेबरी ग्लैंड का इंफ्लेमेशन साइलो एडिनाइटिस। नेक्स्ट है चोक। चोक क्या है? इसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, खाना खाओगे ऑब्स्ट्रक्शन है, भूख लगेगा, खाना नीचे कम जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अब खाते चले जा रहे हैं, खासकर जो ग्रीडीनेस एनिमल्स में होता है वो तो खाएगा ही, प्रकाष्ठ हो तब भी खाएगा, भले खाना अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वाल ऑफ इसोफेगस वीक हो जाता है, एक प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पर डायलिटेशन हो जाता है, मतलब प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन वाल ऑफ इसोफेगस गेट वीकेंस, और उसकी वजह से वहाँ डायलेट हो जाता है, उसको हम लोग इसोफेजल डायबेटिकुलम भी बोलते हैं। अब क्या होगा, खाना खाएगा तो ये डायबेटिकुलम में खाना जाएगा, और कल को अगर अपने ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह से हट भी गया तो डायबेटिकुलम में जो खाना है वो तो निकलने वाला नहीं, ये धीरे धीरे फिर पिट्रीफाई ही होता है और टॉक्सिन से लिबरेट करता है। तो इनिशियल स्टेज में चोक अगर ठीक हो गया तो बढ़िया है, अब बाद में ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा डायबेटिकुलम का। तो ये था ऑब्स्ट्रक्शन। उसी तरीके से डायलिटेशन हो जाए, होल इसोफेगस का डायलिटेशन हो जाए, तो एक सैक लाइक डायलिटेशन नहीं, कंप्लीट इसोफेगस का डायलिटेशन हो जाए तो उसको एक ट्रिस्या बोलते हैं। सैक लाइक डायलिटेशन हो गया तो बोलेंगे डायबेटिकुलम, लेकिन कंप्लीट इसोफेगस का हो जाए तो उसको बोलते हैं एक ट्रिस्या। एक ट्रिस्या का मतलब ही होता है डायबेटिकुलम, ये डायलिटेशन। एंग्लोवाइटिस बर्ड्स का केस में क्रॉप का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, एंग्लोवाइटिस इज फॉर क्रॉप। पेरिटोनाइटिस अब जानते हैं, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन है। गैस्ट्राइटिस ये भी जानते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से स्टमक को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, इसका इन्फ्लेमेशन को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। टिम्पैनी या ब्लॉट आपको मालूम है, रूमेन में जो गैस का एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है ड्यू टू कार्बन मोनोक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, H2S हो, कुछ भी हो, गैस का एक्युमुलेशन हो गया तो ब्लॉट या टिम्पैनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंट्राइटिस, ये जानते हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन है। ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस या ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस, दो तरह की चीज़ है, या तो TR या TRP। तो ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस यानी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो शार्प है, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और शार्प है, जानवर ने गलती से खा लिया तो उसका रेटिकुलम में पियर्सिंग करेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। ये पियर्सिंग हो सकता है इतना हो जाए कि रेटिकुलम को पियर्स करके वो हार्ट तक पहुँच जाए, तो फिर पेरिकार्डाइटिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है TR या TRP, तो कोई या फॉरेन बॉडी सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे नेल निडल वायर चला जाए, रेटिकुलम को पियर्स करे, उसको पियर्स करता है और हार्ट तक पहुंच जाए, तो फिर इसको बोलेंगे TRP, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस, अगर हार्ट तक नहीं गया है तो ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस। एंट्रोलिथ, लिथ मतलब स्टोन, इंट्रो मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में स्टोन का फॉर्मेशन, ये खासकर हॉर्सेस में होता है और ये इक्विडी फैमिली में होता है बेसिकली। हम लोगों ने एक जेब्रा में भी देखा था जू में, उसका पेपर भी पब्लिश हुआ है और फाइनली डेथ हो गया था उसका, तो 3 बॉल थे और यूजुअली ये मिक्स्ड नेचर का होता है। आगे देखोगे आप, मिक्स्ड बोलने से मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा आगे है स्लाइड्स में। तो एनी स्टोन फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइन इज इंट्रोलिक, तो पेन होगा, कोलिक, एब्डोमिनल पेन को कोलिक बोलते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। अब ये देखिए जो स्टोन होता है ना, जो इंटेस्टाइन में जो बनते हैं, ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है पाइली कॉन्फिगरेशन, पाइलाई मतलब हेयर, या ट्राइको बेजोस, एक ही चीज़ है, ट्राइको का मतलब भी हेयर ही होता है, बेजोस का मतलब भी बॉल ही होता है, तो हेयरी बॉल्स इंटेस्टाइन या स्टोमक में हेयरी बॉल्स हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू सम मिनरल डिफिशियंसी, लीकिंग हैबिट थोड़े हो जाता है, हमको खाना चाहता है मतलब अपने मिनरल डिफिशियंसी को पूरा करना चाहता है, तो पर्टिकुलरली फॉस्फोरस डिफिशियंसी केस में ट्राइको बेजोस होगा या पाइली कॉन्फिगरेशन। तो ट्राइको मतलब हेयर, तो हेयर बॉल्स को भी बोलते हैं पाइली कॉन्फिगरेशन से ट्राइको बेजोस। नेक्स्ट टू इट इज फाइटो बेजोस, मतलब प्लांट, ठीक है, या फुटबॉल, कुछ प्लांट के चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके डाइजेशन का क्षमता नहीं है, या कोई ऐसा उसको निडस मिल गया जिसके ऊपर से प्लांट के चीज़ें जमा होने लग रहे हैं, जैसे पॉलीथीन
पोलिथीन खाया, उसको पोलिथीन तो डाइजेस्ट होना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर अंदर पूरा प्लांट के अनडाइजेस्टेड प्लांट प्रोडक्ट्स वैसे आपको एक्यूमुलेट होता चला गया समय के साथ साथ। ये अपने म्यूजियम में भी है, एयर हॉस्ट से निकाला गया है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर किया हुआ है, ब्लैक होता नहीं है, उसका लाइफ बढ़ाने को ब्लैक कर दिया गया ऐसे कलर। तो जब ये हो प्लांट से रिलेटेड बॉल हो तो उसको हम बोलते हैं फाइटोबिजोस, और कभी कभी दोनों का मिक्स्ड होता है, तो तीसरा होता है जिसमें दोनों बराबर ही अगर मात्रा मिलेंगे, प्लांट प्रोडक्ट प्लांट के पार्ट उतने ही होंगे और हेयर बॉल्स भी उतने ही होते हैं, तो मिक्स्ड बॉल भी बनता है कभी कभी, ठीक है, तो तीसरा टाइप का आ जाता है। नेक्स्ट है ये जो जीआईटी में कुछ प्रॉब्लम होते हैं हर्निया, तो ये हर्निया तो बड़ा कॉमन है, आपको पता भी होगा कि कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल या अननेचुरल ओपनिंग से विसरा का कोई पार्ट प्रोट्रूड कर जाए, जैसे इंटेस्टाइन इंग्वाइनल कैनाल में घुस जाए, या आपका जो ये है डायफ्राम रप्चर हो जाए और इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट थोरेसिक कैविटी में घुस जाए, या इवन एब्डोमिनल हर्निया जिसको बोलते हैं एब्डोमिन का मसल्स रप्चर हो गया और उसमें इंटेस्टाइन आके ट्रैप हो गए, तो कोई भी नेचुरल या एबनॉर्मल ओपनिंग से विसरल ऑर्गन जब उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन हर्नियल सैक, हर्निया है तो हर्नियल सैक होगा, तो ये रिड्यूसेबल भी हो सकता है, इरिड्यूसेबल हो सकता है, यानी वापस भी आ सकता है और वहां पर जाकर ट्रैप होकर भी रह सकता है। जब ट्रैप परमानेंटली हो जाए तो इरिड्यूसेबल बोलते हैं, और जब रिड्यूस हो जाए वापस आ जाए तो इरिड्यूसेबल हर्निया बोलते हैं, तो ये है हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेप्शन और टेलीस्कोपिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरसेप्शन, 10 मिनट्स ही रह गए, देखता हूँ मैं तब तक दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। इंटरसेप्शन या टेलीस्कोपिंग क्या है, एक इंटेस्टाइन जिसका ल्यूमेन थोड़ा पतला है उसका उसके अंदर घुस जाना, जिसका ल्यूमेन थोड़ा सा डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन में यूं फिक्स हो जाना, फिट हो जाना, उसी को बोलते हैं इंटरसेप्शन, क्योंकि उसका ल्यूमेन थोड़ा सा बड़ा है, स्मॉल का छोटा है, तो उसके अंदर जाके ऐसे फिक्स हो जाता है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन या टेलीस्कोपिंग, ठीक है। वन मिनट सर, हेलो सर, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हम लोग एक्चुअली क्लास स्टार्ट हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट है इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन क्या है कि जैसे कि इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नियर बाय इंटेस्टाइन कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ ऐसा सिस्ट ट्यूमर कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है जिससे प्रेशर इंटेस्टाइन ऐसे ल्यूमेन ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर बनने की वजह से उसका ल्यूमेन ऐसे क्लोज हो जा रहा है, उसको बोलते हैं इनकार्सरेशन, ठीक है। प्रेशर ऑन इट्स एक्सटर्नल सरफेस बाहर से आता है, कोई डेवलपिंग ट्यूमर जो इंटेस्टाइन पे प्रेशर डाल रहा है तो इनकार्सरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉल्वुलस, वॉल्वुलस और एक होता है टॉर्शन, ये दोनों मिलते जुलते से हैं, तो इसको थोड़ा समझ लो। टॉर्शन सबसे पहले समझ लीजिए टॉर्शन क्या है, तो टॉर्शन क्या है, टॉर्शन समझाने के लिए टॉर्शन समझते हैं कि नहीं आप? हेलो, यस सर, यस सर, अपनी जो एक्सिस के अराउंड घूम जाता है कोई भी ऑर्गन जो है। हाँ, तो इसमें टॉर्शन में क्या होगा ना, अपने ही एक्सिस पे टर्न करेगा इस तरह से। और वॉल्वुलस में क्या होता है कि कोई मेसेंट्री में टियर हुआ उसके अंदर जाके ये फंस के इस तरह से ऐसे, ये वॉल्वुलस है, और ऐसे ही जा रहा है। हाथ ऊपर करिए, दिख नहीं रहा, ये मैं बना रहा हूँ उसमें नहीं दिख रहा क्या? अच्छा एक मिनट स्क्रीन, हाँ ठीक है ठीक, तो मैं उसी में बना रहा हूँ ना, हाथ से नहीं बना ना, ठीक है सर, अब दिख रहा है। ये है ना, ये जो है ना, ये इस तरह का नॉट अगर बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्वुलस, मेसेंट्री के अंदर इंटेस्टाइन घुसा और वो नॉट बन गया, इसे आप बांधते हैं रस्सी को हम लोग, तो हो गया वॉल्वुलस। लेकिन ऐसे ट्विस्टिंग हो जाए उसका, जैसे दो तरफ से कपड़ा पकड़ के उसका पानी गारते हैं ना, तो वैसे करोगे तो टॉर्शन हो जाएगा। गांव में देखते हो ना, एक लेडी उधर पकड़ लेती है कपड़ा, इधर पकड़ लेती है, दोनों मिलकर उसका पानी को ऐसे गारता है, उस तरह से अगर होगा ना ट्विस्टिंग तो टॉर्शन हो जाएगा, और रस्सी को जैसे बांधते हैं तो वॉल्वुलस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन ही होंगे, बल्कि चारों में ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, लेकिन स्टाइल अलग हो जाएगा। तो टॉर्शन मतलब ऐसे उसको गारना हो गया, और वॉल्वुलस मतलब नॉट लगाना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कोलाइटिस, ठीक है।
कोलाइटिस अब जानते हैं किसका है, ये कोलोन का इन्फ्लेमेशन है, टिफ्लाइटिस सिका का इन्फ्लेमेशन है, प्रोक्टाइटिस रेक्टम का इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस लीवर का है। तो ये सिंपल टर्म्स ही है, याद कर लीजिएगा उसे। सिरोसिस क्या है, क्रोनिक हेपेटाइटिस है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर का कन्वेशन हो जाता है, तो बड़ा हार्ड हो जाएगा और थोड़ा श्रिंक भी हो जाएगा समय के साथ। जैसे क्रोनिक होगा ना तो फाइबर मैच्योर होता है तो छोटे होते हैं, तो लीवर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, उसी को सिरोसिस या फाइब्रोसिस बोलते हैं। पोलीसिस्टाइटिस या कोलेंजाइटिस, ये पोली टर्म लगा तो समझ लो कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, अगर कोली नहीं लगा सिर्फ सिस्टाइटिस है तो यूरिनरी ब्लैडर, और पोलीसिस्टाइटिस हो गया तो गॉल ब्लैडर। ठीक है, सिर्फ सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर, पोलीसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर, कोलेंजाइटिस तो बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बाइल डक्ट के इन्फ्लेमेशन को कोलेंजाइटिस बोलते हैं। ये एक चार्ट है, ये मैं आपको डिस्कस करने नहीं जा रहा, बहुत जरूरी भी नहीं है, फॉर योर इंटरेस्ट ओनली मैंने इसको डाल दिया। ये क्या है, बेसिकली लीवर फंक्शन टेस्ट है, इसको गौर से पढ़ना है, आपका डे टू डे लाइफ में काम आएगा, समाज के लोगों को, आपके घर के लोगों को काम आएगा, एग्जामिनेशन पर्पज से दो तीन ही एंजाइम इंपॉर्टेंट, जैसे SGOT या SGPT, ऐसे दो तीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल ये इसका समझ आपको हमेशा काम आएगा, तो इसको देख लेना आप। तो आप कहो तो मैं शुरू करूँ इसको, नहीं तो फिर जाने दो कार्डियोवैस्कुलर को, 5 मिनट है वैसे। बोलिए क्या करें, कितनी स्लाइड है, हो जाएगा मुझे लगता है। चलो शुरू कर दिए सर, 5 मिनट लेट से करेंगे सर। कार्डियोवैस्कुलर कम से कम कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल एनामोलीज, यानी कि फिटस का डेवलपमेंट के टाइम पे ही हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ऑल्सो। जब फीटस तैयार हो रहा है, जब हार्ट बन रहा है, उसी समय में कुछ नॉर्मल फीटस का हार्ट का सर्कुलेशन का कहानी थोड़ा अलग होता है। बिफोर बर्थ थोड़ा अलग होता है, आफ्टर बर्थ थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो बिफोर बर्थ वाला ही कंडीशन आफ्टर बर्थ भी रह जाए तो वो भी एक डेवलपमेंटल एनामोलीज है, जैसे कि फोरामेन ओवल। तो ये फीटस में नॉर्मल है इसका। फोरामेन ओवल क्या है कि दो एट्रिया को आपस में कंबाइन करते हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स और राइट ऑरिकल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये बच्चों में होता ही होता है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन बिफोर बर्थ इसको बंद हो जाना चाहिए। तो अगर बंद नहीं हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन ओवल परसिस्ट कर गया, तो पैटेंसी ऑफ फोरामेन। उसी तरीके से पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, ये भी बच्चों में होता है, वहाँ पे एक सेंटिंग होता है, सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टा के बीच में एक सेंटिंग है, एक संट बना हुआ होते हैं, लेकिन अगर ये क्लोज हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ डक्टस आर्टेरियोसिस, अगर क्लोज नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये सब कंजेनाइटल नहीं है, ये टेट्रालोजी ऑफ फैलट, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो क्या आएगा, लेकिन शॉर्ट नोट में आता है टेट्रालोजी ऑफ फैलट, नाम में लग रहा है टेट्रा। तो चार कंडीशन है, कौन कौन से, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट साइड का वेंट्रिकल्स का हाइपरट्रॉफी होना, और कोरोनरी वाल्व्स का स्टेनोसिस होना। ठीक है, मतलब कम हो जाना, वाल्व्स हार्ड जाता है और उतना फ्लो नहीं हो पाता कोरोनरी वाल्व्स में, प्लस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में कोई डिफेक्ट आ जाना, कोई होल हो सकता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में, एंड एक्स्ट्रा पोज एओर्टा, मतलब राइट साइड ट्रेनिंग। यूजुअली ये लिवो, हम लोग का एओर्टा कैसा होता है, लिवो लेवा पोज्ड एओर्टा होता है, अगर एक्स्ट्रा पोज्ड हो गया, राइट ट्विस्टिंग हो गया, तो ये चार कंडीशन अगर हो गए तो इसको लोग बोलते हैं टेट्रालोजी ऑफ फैलट। नेक्स्ट है हाइड्रोपेरिकार्डियम, तो ये तो सिंपल ही है, पेरिकार्डियल सैक में वाटर का एक्युमुलेशन। ठीक है, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम, मतलब विसरल पेरिकार्डियम और पेरिटल पेरिकार्डियल के बीच में पानी का जमा हो जाना हाइड्रोपेरिकार्डियम है। नेक्स्ट इज कार्डियक टैम्पोनेड, जब ये पेरिकार्डियल सैक में चीज इतना जमा हो जाए और इतना प्रेशर डालने लगे हार्ट पे कि हार्ट का काम करना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कार्डियक टैम्पोनेड, और यूजुअली होते हैं ड्यू टू ब्लड। तो कोई हैमरेज हो गया, कोई ब्लीडिंग हो गया पेरिकार्डियल सैक में, वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया, बहुत ज़्यादा ब्लड एक्युमुलेशन हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, तो सिस्टोलिक डिस्टोलिक में उसका प्रॉब्लम होता है, तो इसी को हम बोलते हैं कार्डियक टैम्पोनेट। तो पेरिकार्डियल सैक में ब्लड क्लॉट का एक्युमुलेशन। हार्ट फेल्यूर सेल्स, ये आप जानते हो, ड्यू टू फेल्यूर ऑफ हार्ट लंग्स में जो मैक्रोफेजेस हैं, एल्वेलर मैक्रोफेजेस हैं, हार्ट के खराबी से लंग्स के जो एल्वेलर मैक्रोफेजेस जो आरबीसी टूटे हुए आरबीसी का हीमोसिडिन पे इंगल्फ कर जाता है, उसी सेल्स को बोलते हैं हार्ट फेल्यूर सेल्स। वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस, तो ये भी एक कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है ऑन द वाल्व, और वाल्व पे भी हो सकता है या वाल्व पे भी हो सकता है, एंडोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट, इनर लेयर ऑफ हार्ट में एंडोकार्डाइटिस नाम ही है। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल लाइक ग्रोथ, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। लिम्फेंजाइटिस, लिम्फ वेसल्स का इन्फ्लेमेशन है।
लिम्फ एडिनाइटिस, मैंने कहा एडिना लगा मतलब लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन है, लिवाइटिस वेंस का, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आर्थराइटिस तो समझ जाओ आर्टरी का है, लेकिन वेनाइटिस नहीं होता, वो फ्लेबाइटिस होता है, तो वेंस का इन्फ्लेमेशन फ्लेबाइटिस है। उस तरीके से ओम्फैलो फ्लेबाइटिस, ये अम्बिलिकल वेन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं भाई वगैरह में, ओम्फैलो फ्लेबाइटिस, तो अम्बिलिकल वेन का इन्फ्लेमेशन को ओम्फैलो फ्लेबाइटिस होता है। नेक्स्ट है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब जानते हैं स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग हो जाना, फाइब्रोज हो जाना आर्टरी का, थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, उसी को बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अभी आर्टरी भी तीन तरह के होते हैं, बहुत बड़े वाला आर्टरी, मिडिल साइज वाला आर्टरी या थिन आर्टरी, तो उसी हिसाब से तीन तरह का है। जब बहुत लार्ज साइज आर्टरी एओर्टा जैसे, एओर्टा में होगा इन्फेक्शन तो एथेरोस्क्लेरोसिस, और जब मीडियम साइज वाला होगा तो मॉन्की बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, और जब थिन आर्टरी में या आर्टेरियोस में होगा तो आर्टेरियो स्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये एकदम डिटेल तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन इसकी कहानी बहुत बहुत मजेदार भी है और लंबा चौड़ा भी है। नेक्स्ट है एनोरिज्म, इंपॉर्टेंट है ये, लोकल डायलेटेशन या आउट पॉचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कोई भी आर्टरी वेन में कोई पाउच लाइक कंडीशन बन गया, वाल थिक हो जाता, थिन हो जाता है, वीक हो जाता है, किसी वजह से कोई पैरासाइट हो कुछ भी हो, अगर वाल थिन हो गया ब्लड वेसल्स का, खासकर आर्टरी में जहाँ तो बहुत तेजी से आता है, तो वहाँ पर थिनिंग और वीकनिंग की वजह से पाउच सब बन जाता है, हो सकता है बाद में रप्चर भी कर जाए, ब्लड वेसल फट जाए, ये हमने केसेस देखे हैं। और कभी कभी जब हार्ट, ये जब एक केस हमने देखा था थोरैसिक कैविटी में, तो ड्यू टू एनरिज्म, जब तक एनरिज्म रहा होगा तब तक सर्वाइव किया होगा, किसी समय फट गया तो पूरा खून निकल के उसका पूरा थोरैसिक कैविटी में